तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे काबुली चने, काले काबुली चने। ये है चने जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे 4-5 घंटों के लिए। ये देखिए भीग के ये फूल चुका है, ये बड़ा बड़ा हो गया है। तो अब हम चने को डाल देंगे कुकर में। तो हमने चने को कुकर में डाल दिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। ये चने भी फूल जाना चाहिए, अपने हाथ यहाँ तक पानी भर देना चाहिए। ये पानी यहाँ तक भर देना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक और इसमें डाल देंगे हम आलू। ये आलू हमने डाल दिया है और डाल देंगे इसमें हल्दी। और इस चने को काले बनाने के लिए हम जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है चाय पत्ती का पानी, जो हमने एक चम्मच चाय पत्ती को उबाल के इसका पानी हमने छान के ले लिया है। यह हम इसमें डाल देंगे और डालेंगे तेल। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 4-5 सीटी बजा लेंगे। देखिए चने हमारे पक चुके हैं, इसमें से हम आलू को बाहर निकाल लेंगे। चने हमारे पूरी तरह से गल चुके हैं, एकदम नरम हो गए। आलू को ना हम मैश कर लेंगे इसी तरह, गरम गरम आलू को ही। हमें खड़े खड़े आलू नहीं चाहिए, हम आलू को पूरी तरह से मैश कर लेंगे। और इसी तरह मैश आलू को हम जो है यूज़ करेंगे अपने खाने में। तो अब हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल, सरसों का तेल भी डालेंगे। थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके बाद हम डालेंगे, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा गर्म मसाले और ये 2-3 तेज पत्ता। ये थोड़ा सा तड़पने लगे इसमें हम डाल देंगे ये कटी हुई प्याज भून चुका है। देखिए गंदन भून प्याज हमारा हो गया है। इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे कच्चे मसाले, हल्दी हमने थोड़ा सा चने में भी दिए थे तो हम थोड़ा सा अंदर से देंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तीखा खाते हैं इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं। नमक भी हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम चने में ही डाले थे तो इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, हमारा भून रहा है, मसाला थोड़ा सा भून चुका है। और डालेंगे हम जीरा पाउडर, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे। जीरा पाउडर डाल दिया है और फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो कि 2 टमाटर हमने काट के रखा हुआ है। टमाटर हमें थोड़ा ज़्यादा बजा देंगे, टमाटर है।
चलाते हैं ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। मैंने बीच में एक बार हिला दिया था, देखिए टमाटर गल चुके हैं। और हम इसमें डालेंगे ये अदरक का छोला मसाला है हमारे पास, इसको हम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था, इसको हम डाल देंगे। चने उबल के रखे हैं तो वो डाल अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो हमारे काबुली चने बन चुके हैं, अब भी अपने घर में ऐसे ही ट्राई करिए, जरूर आपको भी पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।